मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास। नाम क्या है सर? डंकी। जाने कैसी है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी। फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखे तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खास करके समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लफ्ज में डंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अलासलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है।
साथ ही रेगिस्तान की टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं। बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडर वाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए। वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे। बता दें कि जवान को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वह सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्र अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है। लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है। शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैरकानूनी तरीका है।
वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट। शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी, लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले है, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे है, ताकि ये फिल्म को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट। जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों, बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी, जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म की दूसरी अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जेद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, जेद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तब्बूक। इस हफ्ते जेद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तब्बूक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तब्बूक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे, और अगले हफ्ते शाहरुख खान जिद्दा से तब्बूक के लिए रवाना भी होंगे। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज ए मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पे की गई है, और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों, जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद
शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे, ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कि मेरे फैंस, मेरी ऑडियंसेस, उनका ही प्यार है जो मुझे इतनी ताकत देता है। आज का दिन भी, मतलब इतने साल हो गए, कभी कभी लगता है कि लोग आएंगे मुझे विश करने के लिए, पर कभी होता नहीं ऐसे, क्योंकि हमारी फैमिली को सब इतना प्यार करते हैं। बस हाँ, हम गलतियाँ करते रहते हैं, कभी बुरी फिल्म बना ली, कभी इतना फोकस नहीं रहा था करियर में, लेकिन अब मैंने अपने आप को इतना बदल दिया। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अलग किस्म के रोल करूँ और लोगों को यू नो एंटरटेन करता रहूँ, और वही सब वही चाहते हूँ। उन्होंने मेरा कभी साथ छोड़ा नहीं, लेकिन मैं उनका साथ छोड़ देता हूँ जब मैं कोई अच्छा काम नहीं करता। तो मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा, भैया, मुझे सबको इतना प्यार मिलता है। बाबा, ये जो प्यार मिल रहा है आपको, ऐसा लग रहा है हर साल ये प्यार इंक्रीज ही होते जा रहा है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई कैन ओनली से दैट कि आपका, आप सबका इतना फेथ है हमारी फैमिली में, मतलब हमारे फैमिली के लिए इतना प्यार है कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अच्छा काम करें। अभी पापा 87 के हैं और वो 2 नई फिल्में शूट कर रहे हैं, तो आप सोचिए पापा की विल पावर, पापा का जो फायर है काम करने की, it just inspires me more and more to work harder, you know. So I think we just touch wood, you know. और ये साल बहुत बड़ा है आपके, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। Not only अपने 2 is there and the other 2 is also there. So what would you say about what we can expect from these films? Poster आ चुका है। Poster भी आ चुका है। अपने 2 what would you expect? I poster गदर का आ गया। I'm really excited. सबकी तरह, सब लोगों की तरह मैं भी बहुत excited हूँ कि गदर 2 मैं कब देखूँगा स्क्रीन पर। और अपने 2 की कहानी पे काम चल रहा है, इट शुड स्टार्ट बाय दिस ईयर। पर कहानी पे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कहानी अच्छी चाहिए हमको। सक्सेस ऑफ पठान एंड चेंज द इक्वेशन, बहुत खुशी है बॉलीवुड में। क्या डेफिनेटली, आई मीन इक्वेशन बदलते रहते हैं यार। क्या होता है कि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि कभी कुछ ज़्यादा दौर तक अगर हमारी फिल्में चलती नहीं तो ऐसे सन्नाटा सा छा जाता है कि क्या हो गया हमारी इंडस्ट्री को। पर ये होता ज़मानों से होता है कि कोई टाइम आता है कभी फिल्में चल नहीं रही, फिर एकदम से 2-3 फिल्में आती हैं और चल जाती हैं। और डेफिनेटली पठान इज डूइंग सो वेल, इट मेक्स मी फील सो हैप्पी। आई मीन शाहरुख इज़ एन ऑसम ह्यूमन बीइंग एंड ही वर्क सो हार्ड। होता है, उसने भी टाइम लगाया, काफ़ी देर तक उसने शूटिंग नहीं की थी कोई फिल्मों की, लेकिन अब उसने पूरे जी जान से एक फिल्म बनवाई एंड लोगों को पसंद आ रही है। तो इट्स अमेजिंग, आई मीन जस्ट इट्स लाइक अ बर्थडे गिफ्ट टू मी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे किसके साथ क्या होता है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट शाहरुख फिल्म इज डूइंग सो वेल एंड द इंडस्ट्री इज यू नो अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। स्पीकिंग ऑफ पठान एंड सलमान खान, स्टार कैमियोस का एक दौर चल रहा है। एनी चांस, एनी पॉसिबिलिटी कि गदर 2 में आपका या धर्म सर का कैमियो? नहीं, वो तो बन चुकी है फिल्म अभी। लास्ट वर्ड भी आ सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है उसमें, लेकिन वो सी दोस आर ऑल बेस्ड ऑन स्पाई, यू नो द कैरेक्टर्स आर लाइक दैट। सो सलमान कैरेक्टर फिट्स इन टू दैट सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, you know, it works nice. It's creating that magic of that whole the tiger, Pathan and all these things, you know, war. So I guess that's why it's easier to do something like that. Bobby, your physique, like, you know, we can see it's so perfect fit on your arms, or we can see, you know, how hard are you working on your physique? Was I looking so... I'm trying to do it. I'm trying to film my film, Animal. I'm trying to वो भी आ रही है गदर के साथ ही आया, सुनने में आया कि गदर और एनिमल सेम डे पर रिलीज हो रही हैं, देखते हैं क्या होता है। आपकी दोनों फिल्म, आपके भाई की और आपकी फिल्म में एक साथ क्लैश हो जाएगी, क्या मालूम क्या होता है। आई वाज जस्ट सरप्राइज टू सी द डेट्स, बट आई एम डूइंग, मैं भी एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ
इसकी शूटिंग चल रही है इसीलिए मेरी दाढ़ी थोड़ी अलग है विद पवन कल्याण सो लेट्स सी नाउ आई एम ट्राइंग टू डू डिफरेंट स्टफ बट पवन कल्याण स्टारडम इज ऑन अनदर लेवल ओवर देयर यू एक्सिटेड सीन एनी ऑफ सीन दैट एंड ही इज अ वेरी हंबल पर्सन यू नो बट पीपल लव हिम एंड इट्स नाइस दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड द डायरेक्टर क्रिश हुज मेड सम ग्रेट फिल्म्स डाउन साउथ एंड रत्नम इज द प्रोड्यूसर हुज आल्सो मेड अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स सो Fingers crossed, let's see what happens. Sir, but do you believe that success of super success of Ashram has changed the turnout in life? I mean, I think it's a super the change of your attitude changes things for you. You know, the more fearless you become, the more chances you take, and not that every chance works for you. I think that's what I did. I mean, Ashram was a big chance I took by playing a character like that, and I think that proved right for me because I wanted to challenge myself as an actor. So I think just before that I did Class of 83, which is again a very different character and people love that also. And then I did Love Hostel again, I played a negative character and people love that. So I'm just trying to change myself as my image. And yes, Ashram has been the biggest ever successful web series in India on OTT platform till date. And it's so nice to see that. It's so nice to see जहाँ भी जाता हूँ सब लोग जपना भी करते रहते हैं तो एक तकिया कलाम बन गया है मैंने कभी सोचा नहीं था पुराने ज़माने में होता था कोई फिल्में कर लो तो एक्टर का नाम सब लेते थे पापा ने एक फिल्म की थी जिसमें पापा का नाम शाका था तो जहाँ भी जाते थे सब लोग शाका बुलाया करते थे उन्हें और मुझे याद है मैंने बादल की थी तो सब मुझे बादल बुलाया करते थे लेकिन अब फिर से वो दौर आ रहा है लोग जो कुछ पसंद करते हैं तो उस कैरेक्टर के साथ जीते जागते रहते हैं So it's really nice. But Ashram, next season, more for your dancing skill also, actually. Bobby, you have negative characters, so you're missing that thing also? See, aisa kuch nahi, I don't miss it. I mean, I love dancing. If a character requires to dance, I'll dance. I mean, it's not like you have to dance because you used to dance. It has to be written well according to the characterizations. So then maybe if I'm doing a romantic musical, you'll see me dancing. We all fell in love with a long-haired Bobby. We all fell in love with a long-haired Bobby. Any chance in any role, वो फिर से अब लंबे बाल में फिर से देखोगे? देखिए एज के साथ ना बाल कमजोर हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ लंबे रखूँ बाल, लेकिन फिर उनकी फॉल अच्छी आती नहीं है। लेकिन अभी तो टेक्निक्स बढ़ गई हैं। आप वो extension लगा के कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। Bobby, negative character आप ज़्यादा enjoy कर रहे हैं ऐसा मान सकते हैं? लोग मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ये मैं मान सकता हूँ जय हो सदा ही जय खड़ा रहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू अरे हट रे अभी बस कर हाथ पर काम भी नहीं कर रहा है अरे जाने कैसी है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी। फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लफ्ज में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है।
डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में पांचवें नंबर पर है। इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अलसलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं। बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं। और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडर वाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए। वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे। बता दें कि जवान को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्र अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है। लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है।
शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैरकानूनी तरीका है। वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट। शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी, लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे है, ताकि ये फिल्म को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट। जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों, बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी, जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म के दूसरी अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3,
जेद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तबुक। इस हफ्ते जेद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तबुक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तबुक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे और अगले हफ्ते शाहरुख खान जेद्दा से तबुक के लिए रवाना भी होगी। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज अ मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पर की गई है और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों, जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो हमने बहुत खुशी है, हम सब आए हैं उनका बर्थडे मनाने के लिए और वाहेगुरु से भगवान से यही दुआ है कि हम सब उनसे मिलके रहे, कैमरे को ना छोड़े, कैमरा उनका ना छोड़े। दुआ है थोड़ा हटो ना भाई, हाँ भाई हट गया। अभी से क्या सही ना बना रहा हूँ ना यार, आप देख सकते हो हमेशा आते हैं, ऐसे रखो ना ताकि आप अच्छे। गाड़ी तो जाने दो, नीचे की यार जाएगी गाड़ी, समझते ही नहीं है यार। नीचे ले लो, चलो गाड़ी है, गाड़ी साइड टू साइड। चाचा दिखाओ, अभी दिखाओ, आगे मत जा, देखो बोल रहे हैं। ओ भाई, कोई है मोबाइल नीचे कौन ला मोबाइल नीचे ले, आ जाओ सब अंदर आ जाओ, गेट बंद कर दिया तुमने, आप हो गया अभी भाई भाई इधर आ जाइए, यहां पे आप इधर घूम जाओ, फोटो इधर घुमाओ पूरा पूरा। चश्मा पहना चश्मा, अरे चश्मा पहना तो हीरो लगे ना यार, पहनो पहना चश्मा। रुक गया सर, इधर इवन सर, इमरान सर साइड दे दो, साइड दे दो, साइड दे दो भाई, बस अभी कोई नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, रोक इधर 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 अरे सामने से, अरे तू मटो यार, ए भाई तू मटो, अंदर 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 आ जा, अंदर पीछे चलो, अब पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ भाजी, उधर जाओ, आगे आगे जाते चलो 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 भाई चलो, आते रहो आते रहो, अरे पैर टूट जाएगा यार, उतर जाओ, फाइन में फोटो बनेगा ना बाबाजी, बाबाजी बोले अपने शादी के लिए, बाबाजी उतरो, बाबाजी उतरो, भैया पकड़िए पकड़िए, भाई आगे वाले आने चाहिए, आगे मत जाओ रे, बाबा जी आइए
बाजी अरे पीछे आओ तुम लोग यार हेलमेट किसका है चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो ए रहा है झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं
हर साल ये प्यार इंक्रीज ही होता जा रहा है और इसके कम नहीं कर रहा है। I can only say that आपका आप सबका इतना फेथ है हमारी फैमिली अच्छा गाइस प्लीज केक खा के जाना। लाइट्स कौन लगाया है? फोटो साइड में लग फोटो बन ले रहा है। हां ले ले लाइक किया पहले। अरे हम क्या ना तो इधर लंबा ही बैठ गए। चलो हो गया। चलो हो गया नेक्स्ट हो गया भाई। देख दूसरे को भी चांस दो। एक मिनट नवाज भाई एक फोटो चलो हट जाओ। थैंक यू भाई। जल्दी ना जल्दी फोटो लो। थैंक यू नेक्स्ट सर। हाँ हेलो थैंक यू पहले भाई सर को फोन कर दो यार। थैंक यू दोनों कर सर फोन आ रहा है तुम्हारे जैसे शर्ट पहन Let's go!
यानी केसीए शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी। फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लफ्ज में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अलसलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं। बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं। और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडर वाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए।
वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे। बता दें कि जवान को अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्रिया अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है। शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। क्योंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट, शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी। लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले है। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे हैं,
ताकि ये फिल्मों को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट, जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म के दूसरी अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जेद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, जेद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तब्बूक। इस हफ्ते जेद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तब्बूक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तब्बूक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे और अगले हफ्ते शाहरुख खान जिद्दा से तब्बूक के लिए रवाना भी होंगे। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज अ मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पे की गई है और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। रुकिए रुकिए, गौरी मैम अरे योगन भाई को फोन करना पहले। यो हेलो, हेलो मैडम, सालू शर्मा जी। सेठ किधर चले गया, क्या बस किधर गया, सीधा काम नहीं चला क्या, ये सीधा काम नहीं चला। अरे रुको, इधर छुप के चले गए। गुरको कौन है, हैं जान 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 जाइए।
एक साथ में साथ में साथ में साथ में रुको 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 ना मैम साथ में नहीं मिलता फोटो आपके लेफ्ट में आपके राइट सर पठान मूवी के लिए सर व्हाट इज व्हाट इज अ क्रेज टिकट बाय 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 नहीं अंदर नहीं, अंदर तक नहीं आएंगे हट जाएंगे किसी को भी मत अंदर हाँ हट जाएंगे हम लोग अरे अरे अंकल अरे क्या कर रहे अंकल नहीं है अपना ही प्रेम में आ रहे पीछे आओ थैंक यू सर चलो 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 बाहर चलो चलो आगे है ड्रेस यूज कर जाओ रुक जाओ हाउ वाज द मूवी सर ओ वेरी नाइस एक्सीलेंट शाहरुख सर ने 3 साल के बाद आए और आग लगा दी यस 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 शाहरुख ने जबरदस्त काम किया है जॉन ने भी जबरदस्त काम किया है डायरेक्शन इज सुपर दीपिका जी दीपिका लुकिंग वेरी गुड सॉन्ग्स वेरी गुड बहुत पावरफुल कैरेक्टर है ना एकदम पावरफुल आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच यस सर थैंक यू ये तू वीडियो ले रहा है अरे भाई भाई हट जा भाई हट जा पश्मीना जी ऋतिक सर साथ में फोटो करते सर 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 ऋतिक सर एक फोटो ऋतिक सर लव यू ऋतिक सर सर ऋतिक सर लव यू सर कैसी लगी मूवी ऋतिक सर कैसी लगी मूवी ऋतिक सर मूवी कैसी लगी समाजी जा बैठ जा मैं देखता हूं ऋतिक सर साइड दे गाड़ी के सामने से साइड दो गाड़ी जाने दो बस बहुत अच्छी कैसी लगी मूवी क्या कुछ कहना चाहेंगे सलमान और शाहरुख का सीन कैसा लगा मैम आपको आई मीन उसके बारे में कौन बुरा बोलेगा बहुत अच्छा था एंटरटेनिंग था और एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज था बिकॉज़ मुझे पता नहीं था मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि वो लोग क्या थर्ड पार्ट कब आ रहा है आपका वाओ थैंक्स आई लव इट कि तुमने मेरी फिल्म एकदम पठान के साथ डाल दिया बट आई थिंक लव सॉन्ग से खुश लगते हैं चार साल बाद शाहरुख भाई को बड़े पर्दे पे देखा गया क्या कहना चाहिए हाँ चार साल बाद आए बहुत अच्छे लग रहा है लोग बहुत अच्छे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया फिल्म है और आई थिंक इंडस्ट्री नीड्स दीपिका जी के बारे में क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और आई थिंक एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देख रहे हैं सो और भी मजा आ रहा है इंडस्ट्री नीड्स थैंक यू मैम
भूमिका जी, मैम कैसी लगी मूवी? राधे भैया के सीन क्या 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 बोलो क्या बोलो राधे भैया का सीन कैसा लगा? अरे गुलशन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। गुड जी, हमको आप थैंक यू मैम। वरुण भाई, वरुण भाई रुको ना भाई। दिनेश सर, पठान का एक्शन कैसे लगा सर? एक्शन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई। और सलमान शाहरुख की जोड़ी? थैंक यू भाई। बस सर, आपकी मूवी का इंतजार है। तू झूठी में मत कर, मोबाइल क्या कर रहा है? चलो थैंक यू। चलो हाँ, ये नीचे सर सेंटर सर यहाँ पे राइट साइड डन सर, आप जो बोले सर सेंटर सर चलो जाओ अनुभव सर अनुभव सर यहाँ पे सर राइट राइट सर राइट में गड़ा राइट बोल रहे हैं सर लेफ्ट में आइए ना थोड़ा हाँ अभी लेफ्ट सही है सर सर अरुण नहीं शांत रहो कुछ बोलो मत के अंडर में तीन चार ब्रांचेस आ रहे हैं पार्ले में हमारे पीछे नहीं लगा मेरे सामने आ जाते हो गेम खेल रहा है मेरे को ऐसा दिख रहा है स्पेशल नहीं लग रहा आने को भी जा रहा है ऑटो में जा रहा है वो छोड़ देना ठीक है हां चलेंगे साथ दिया भी लाए अरे क्या बोल रहा है देख सकते हैं आप इधर सर लेफ्ट में सर लेफ्ट में सर सेंटर में सर लेफ्ट लेफ्ट अरे पर उनके साथ जरूर लेना भैया एक बयान में दो बड़ा तलवार होता है तलवार निकाल क्या कर रहे हो हो सकता है अंदर आइए चलो बयान बड़ी कर देंगे ये धक्का मत दे दादा इससे धक्का होगा राइट से सर लेफ्ट 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 सब मैम अरुण वेट भाई फ्लैग पीछे भाई
ऐसा मत करो भाई। आपके बाउंसर दो खड़े हैं, आपके दो बाउंसर यहाँ से बाउंस करेंगे लाइट में। राइट 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 मेरे को अपने पहले कैमरा से फोटो खींचनी है। कौन खींच रहा माइक लाल जदी मैं तेरा शेयर करूंगा। सेंटर पहले मैं ले लेता हूं। सेंटर बोलो। हां बोलो सेंटर बोलो। अरे कौन है भाई, क्या पिक्चर आ रहा हूं अरे अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती है, इतने ज्यादा लोग हमारे को इंस्पायर करने वाले हैं। प्यार तो बहुत मिलता है इनको, मुझे आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन, आप भी मानेंगे, जो अनुपम जी को प्यार ना करता इंडस्ट्री में। सतीश कौशिक भी बहुत प्यार करता है, इनको सब बहुत चाहते हैं। बट आज का दिन जो है वो हम सब के लिए खुशी का दिन है। इतनी बड़े पैमाने पे फिल्म बनाई है कंगना जी ने, बहुत बड़ी फिल्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स, वो उसका काम समापन हुआ है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इंडस्ट्री जिस मुश्किल फेज से गुजर रही है और इंडस्ट्री में जिस तरह से यू नो फाइनेंशियल इंडस्ट्री जूझ रही है हर चीज़ से, हम लोग एक सब मिलकर कुछ ना कुछ एक साथ आकर कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में पेश करने की ऐसी उम्मीद में हैं कि लोग फिर से जो है इंडस्ट्री को, जैसे अभी मैंने सुना है पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और आई फील कि जो हमारा खासकर हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हम भी हर इंसान अपने उस लेवल पर कोशिश कर रहा है, हमारी भी ये कोशिश है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये फिल्म कम्प्लीट हुई है, बहुत अच्छे लोगों का साथ मेरा, जिनमें से अनुपम जी, सतीश जी, दे आर लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। एंड और कुछ मुश्किलें भी आई, कुछ शैतान लोग भी हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो बदमाश तो हैं ये हर जगह, तो लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मुझे मिले और आज ये सफलता हमें मिली है, एक पहले पड़ाव है ये सफलता का। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी फिल्म आप लोगों तक पहुँचे। कश्मीर फाइल को जैसा प्यार दिया गया देश भर में, फ्री में देखा गया कश्मीर फाइल को, उसी क्या करना चाहिए कि फिल्में भी देखना चाहिए लोगों को, देखनी चाहिए। मतलब खुद इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, इतना कमाल का इन्होंने काम किया, ये सवाल अपने आप में ही बेवकूफाना है, माफ़ी चाहता हूँ, क्यों नहीं देखना चाहिए, इनको जरूर देखना चाहिए। एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि फिल्में अच्छी जा रही है, आज पठान की बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है, वी विश देम ग्रेट लक एंड दे विल विश अस एंड ऑल दिस पीपल विल विश अस। सतीश जी, हाँ जी, 2023 जो है उसकी शुरुआत अच्छी हुई है और कंगना जी ने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, मेरे को पूरा भरोसा, पता भरोसे से भी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया और हमने इनको काम करते हुए देखा है, एक्टरों के साथ, यूनिट के साथ, अपने कैमरामैन के साथ, फिल्म के सब्जेक्ट को जिस तरह से इन्होंने डील किया है बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत ही भव्य तरीके से किया है। तो अब ये शुरुआत हुई कि हमारा स्वर्ण टाइम 2023 के अंदर आ गया, मतलब पठान ने शुरुआत की, इमरजेंसी आएगी है ना, और जबरदस्त आएगी। और आपको इतिहास का, जी जी, ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो कि अभी तक खुला नहीं है, किसी ने इस बारे में बात की नहीं है, कई मुद्दों से कर भी नहीं पाए। एक किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी जो कभी रिलीज हो नहीं पाई, उसके बाद आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी पाबंदी रही है, जैसे हमने सुना है कि किशोर कुमार जी से लेकर काफ़ी कलाकारों को बैन भी किया गया था। तो लेकिन अब एक ऐसा माहौल है, आई थिंक हमें पूरी फ्रीडम है,
एक अपना अपना विचारधारा रखने की, तो इस दौर में आई थिंक लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। और ये फिल्म किसी भी तरह की कोई किसी को क्रिटिसिज्म है कोई तरह का कोई एक्सपोजे नहीं है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, फिल्म हमारे देश के संविधान की कहानी है और ये देश हमें दिशा दिखाएगी और ये फिल्म देश को दिशा दिखाएगी। पॉजिटिव हम उस काले चैप्टर में से भी कुछ पॉजिटिव लेकर निकलेंगे, ये इस फिल्म का पूरा वो रहेगा। सो आई थिंक देशभक्ति की भावना हमें जगाएगी। आप कौन? बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया हमने सुना है, बहुत सारे आपके कुछ कितनी सच्चाई है देखिए धन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका कोई मायने ना हो। आप आई एम नॉट सम वन ऑफ दोज के ठीक है मेरी कोई चीज़ है तो मैं जो काम ठान लेती हूँ मैं उसको अंजाम देकर ही रहती हूँ, तो ऐसा कोई है तो, लेकिन उस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए एक मिनट में कोई भी मैं डिसीजन लेती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा था कि शूटिंग के टाइम पे बैंकों के चक्कर लगाना, इवैल्यूएशंस करनी, फिर हमारी शूटिंग भी रुक रही थी उसके करके वो मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक था। लेकिन कोई भी चीज़ दाव पे लगाना मेरे लिए बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं है। मैं इस शहर में 500 रुपये लेके आई थी और मैं फिर से अगर पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती हूँ मैं फिर से पूरी तरह से खड़ी हो सकती हूँ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत है। सो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है कोई भी पोजेशंस, मेरे कोई मायने नहीं रखते हैं। मूवी आया है उसको लेके विवाद चालू हो गया था, कई जगह पे पोस्टर फाड़ा गया, हमला भी किया गया, उसके बारे में क्या कहना है? मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है बट आई विश संतोषी जी वेरी बेस्ट एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। मैम योर बैक ऑन ट्विटर ट्विटर आल्सो मैम जी बहुत ले रही हूं। सर 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 यहां पे सर थोड़ा पीछे हो जाइए किचन हाय थोड़ा पीछे में आगे क्या कर रहा है? अरे सर सर लेफ्ट लेफ्ट थैंक यू। दादा पीछे ले कर दादा पूरा कैमरा आ रहा है यार। सेंटर लेफ्ट मैम इधर आईफोन के पास थैंक यू मैडम हमेशा तो स्टार्ट। सर आपने पठान मूवी देखी आपको कैसी लगी? बहुत फुल पैसा उसमें वंडरफुल एंटरटेनमेंट। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी? बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी इज द वेरी 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 लास्ट सलमान खान। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कितना अट्रैक्ट करता है ऑडियंस? एक गाना ही है मेजर जो कि इट्स हैज ऑलरेडी बीन अ हिट डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी सम पीपल सम स्टूपिड पीपल ट्राई टू मेक आउट ऑफ इट इट्स वेरी एंटरटेनिंग। म्यूजिक ही पहले आया था इसलिए सभी के बहुत सारे अलग अलग विचार आ रहा था। कोई खास बात नहीं, किसी फिल्म में म्यूजिक हमेशा हिंदुस्तान में गाने पहले आते हैं लेकिन फुल पैसा वसूल दैट्स व्हाट आई वुड से। लोगों का कहना ये भी है कि मूवी को बायकॉट किया जाए, आपका कहना क्या है इस पर? अगर मुझे मैंने दिमाग में ऐसा कुछ दूर से भी विचार आता तो मैं आज क्यों ये शो देखने आता? और ये बायकॉट करने वाले हैं उनको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो मुझे बायकॉट कराने वाले या किसी थिएटर पर पत्थर फेंकने वाले या आसाम में किसी फिल्म हॉल में जाके उसके पोस्टर नोचने वाले बिल्कुल गलत है। वो गैर कानूनी हरकत है, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी
एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड पनिश देम. After a long जब एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है देन नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप फ्रॉम अदर पीपल अदर इंडियंस टू वॉच इट. Well, after a long time, Shahrukh Khan, how was that like? Was it party? Yeah, na. Raj sir, Raj sir, wait, 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 sir, wait, sir, wait. अरे wait यार. पत्र लेका जी. अरे अरे मेरी जान रुक. हम साथ में चलो ना. Great, of course, we just watched Pathaan. Okay. It's absolutely brilliant and so much fun to watch. Okay. That was such a long gap. सबसे best part क्या थी इस movie की? Ma'am, कैसी थी movie, ma'am? Amazing. But go watch it for the. I love. How was the action? Amazing. You all must watch it. And the music? Too good. Thank you. नहीं लग रही. Great, great. सर नाइट टी शर्ट. जाने कैसी है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी. फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है. वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं. यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे. इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है. यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी. हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है. राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली. इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है. बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है. यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है. चूंकि भारतीय लफ्ज में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है. कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी. डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है. सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है. आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं. इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है. डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं. डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है. भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है. यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं. इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में 5वें नंबर पर है. इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अलासलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है. पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं. हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है. पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है. साथ ही रेगिस्तान की टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है. वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं. बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे,
जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडर वाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए। वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे। बता दें कि जवान को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वह सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्रिया अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है। लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है। शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट। शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास।
साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी, लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे हैं, ताकि ये फिल्म को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट। जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों, बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी, जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म की दूसरी अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जेद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, जेद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तब्बूक। इस हफ्ते जेद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तब्बूक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तब्बूक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे, और अगले हफ्ते शाहरुख खान जिद्दा से तब्बूक के लिए रवाना भी होंगे। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज ए मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है, जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पे की गई है, और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों, जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे, और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे, ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जाने कैसी है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी। फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे।
इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर कर समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लफ्ज में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अलसलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही रेगिस्तान की टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं। बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले यह जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडरवाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए। वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे।
बता दें कि जवान को अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्रिया अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है, लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है। शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट। शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी, लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले है, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे हैं, ताकि ये फिल्म को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट, जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म के दूसरे अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, जिद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तब्बूक। इस हफ्ते जिद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तब्बूक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तब्बूक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे और अगले हफ्ते शाहरुख खान जिद्दा से तब्बूक के लिए रवाना भी होंगे। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज अ मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पर की गई है और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलो जाने दो, आंटी भी है। आंटी काम का नहीं है। अरे मुड़ी हटाओ, अरे गिर जाएगा लोलू। आंटी एक मिनट, अरे उधर चल, उधर चल, उधर चल, उधर चल, रुको ना, रुको ना, अरे बीच में बैठी है क्या? अरे नहीं है भाई, नहीं कोई, अरे कुत्तू, ए बच्चा बच्चा, अब्राम अब्राम पीछे में, ये दे पीछे, ए भाई थोड़ा पीछे है भाई, अरे तू है इधर से दिख रहा है क्या? तू कहाँ आ रहा है बीच में अपना? अपना अरे थोड़ा चाल भी पीछा करो रगास। ओ सेल्फी, ए सेल्फी, मैम मैम एक मैम इधर देखिए ना, साइड तो हो जाओ सर प्लीज, जान दो जान दो जान दो, कौन है कौन है? अरे आप हाथ, अरे कोई नहीं है तो कहाँ हटा हटा कर रहे हो? अरान 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 बेटे, अरे रुक
अकेला है। आई लव यू। ए जाने दो। हो गया सर, जाने दो। क्या कर रहे हो जी? हो गया जी गाड़ी। ए यार मिश्रा जी सर सुना नहीं ऐसा काम कर रहा। एंड ए आतिश। अरे खरस क्लाइंट है। चलो हो गया यार, चलो बस अच्छी मान लो। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। बराबर है, कहाँ है माल? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं दिखने। अरे होली सुजीत पठान 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 खान साहब, पठान जिंदा है। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब कर लो अपने अपने। अरे आओ थोड़ा आगे। अरे अरे भाई, अरे हां ना, हां ना, तुम तो लोग हेड पे करो करो ना भाई। अरे रुको, अर्जुन पांच सचिन सब एक चलो। हो गया, हो गया, चलो। ए रुक जा बाबा, रुक जा यार। जान दो, जान दो बिंदास। वाओ अगर नहीं देखिए तो देख लो भाई, कल जाऊंगा। सोले भाई जमाल लाइट बढ़ा ना, बढ़ाया सर भी है। सर सरे सरे सर है एक मिनट। अरे वो लाइट लाइट आगे जाते
डियाना जी हट्टा किशन झुक करना कौन है किशन भाव इकड़े इकड़े तोरानी जी वो दिया नहीं आप हाँ जी इधर अरे मला भेटले याला नाही भेटले बाकी लेट आला थँक यू धन्यवाद पैसा नहीं मिलेगा तो मैं भी मार पाऊंगा भाई एक बेटा नीचे तो लो नीचे लोगे तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जान देना हमारा काम ही है भाई जय महाकाल चलो लेफ्ट में चलते रहो अरे आगे से नहीं है चलो नहीं आ जा आ जा आ जा अबे इधर से आए रोल नंबर जाने दो भाई रोल नंबर हो गया गाड़ी ए वो
में मास्क में मास्क में अच्छा अच्छा शिल्पा मैम जाने दो सर अरे यार सुजन जी यहाँ पे यहाँ पे पीछे जाहिद भाई पीछे पीछे भाई इधर भाई जान दो ये पीछे खाली गाड़ी विद्युत सर है क्या आराम से रुक जा मनोज इधर ही से निकल विद्युत सर कैसे हो कैसे आप सर पठान देखने जा रहे हैं वही करने सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार को देखने जा रहा हूं क्या बात है विद्युत सर एक आग लगा दिया मूवी आग लगा दिया अरे मैडम भी है मल्लो अपना अंदर मत डालना भाई चलो लेकर जाओ भगाओ भैया अंदर ही है जाने कैसी है शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी। फिल्म की कहानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वजह है उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्टर कर रहे हैं। यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान की किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है। यानी निर्देशक अभिनेता की यह जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी यह सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर कर समाज की कुर्तियों का या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी के हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट शब्द से, जिससे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लफ्ज में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुँचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। डंकी फ्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी फ्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है।
भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वाले में पांचवें नंबर पर है। इससे पहले मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सलाउडर और होंडुरास जैसे देशों का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। हिरानी की फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। वैसे बीते ही दिनों बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान सऊदी अरबिया से इंडिया लौटे हैं। बताया जा रहा था कि वहां अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए गए थे, जहां उन्होंने अपनी फिल्म का सऊदी अरब में शेड्यूल पूरा कर लिया है, जहां से उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए सभी को शुक्र अदा किया था। अब वो फिल्म पठान के प्रमोशन में बिजी होने वाले है और फिर वो अपनी फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करेंगे। पठान के बीच शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख करेंगे ये बड़ा कारनामा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि इन दिनों शाहरुख खान अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। लगातार वो अपनी फिल्म से कुछ न कुछ रिलीज करते रहते हैं। और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के प्रमोशन में और भी बिजी होते जा रहे हैं और इसीलिए वो अपनी बाकी फिल्मों पर वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वैसे बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों पठान पर खोए हुए हैं और फिलहाल उन्होंने फिल्म डंकी और जवान की शूटिंग पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन दोस्तों इसी पठान के माहौल के बीच शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यह फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही विलियन के किरदार में फिल्म में जॉन अब्राहम देखने को मिलेंगे। लेकिन यार किसी के मन में सवाल होगा कि फिल्म पठान की रिलीज के बाद शाहरुख खान किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या वह फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे या फिर जवान की। तो हाल ही में फिल्म डंकी से जुड़ी ये जानकारी मिली है कि पठान के रिलीज के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करेंगे और इस शूटिंग में भी एक खास सीक्वेंस शूट होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि फिल्म डंकी को डायरेक्ट बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं और इसी के चलते अब जानकारी मिली है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद वह एक क्रूशियल अंडर वाटर सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इसीलिए राजकुमार हिरानी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं चाहते और शायद इसीलिए उन्होंने ये सोचा है कि फिल्म पठान के रिलीज के बाद ही यह सीक्वेंस को शूट किया जाए ताकि शाहरुख खान अपना अच्छे से समय दे पाए। वैसे बता दें कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू नजर आएंगी और यह पहली बार होगा जब तापसी पन्नू शाहरुख के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करें फिल्म जवान की, तो जवान की शूटिंग को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले फिल्म जवान की शूटिंग सेट से कई तस्वीरें और कुछ वीडियोज रिलीज हुई थी जिसमें शाहरुख खान बड़े ट्रक पर एक्शन सीक्वेंस शूट करते नजर आए थे। बता दें कि जवान को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा उनके साथ नजर आएगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर और ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म की स्टोरी को लेकर हुआ खुलासा, पठान के ट्रेलर लॉन्च के बाद दूसरा शेड्यूल होगा शूट। बीते ही दिनों शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग सऊदी अरबिया में पूरी की। इस दौरान शाहरुख खान ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो सऊदी अरबिया और पूरे क्रू मेंबर को शुक्र अदा करते नजर आए। हालांकि अब शाहरुख खान मुंबई भी लौट आए हैं और इन दिनों अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी है। लेकिन अब पठान के पहले सीक्वेंस की शूटिंग पूरी करने के बाद सेकंड सीक्वेंस की शूटिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। मुंबई लौटने के बाद जवान की कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिलेंगे और उसके बाद वह जमकर अपनी फिल्म पठान का प्रमोशन करेंगे और जैसे ही पठान रिलीज हो जाएगी वो अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर देंगे। बता दें कि ये एक कॉमिक फिल्म है। राजकुमार हिरानी हमेशा देश के बारे में बहुत सारी भावनाओं के साथ कॉमेडी का मिश्रण करते हैं। कहानी दुनिया भर में यात्रा करती है और फिर भारत वापस आती है। शाहरुख खान का फिल्म को लेकर कहना है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती है, खासकर समाज की मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इनसाइड रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि डंकी असल में एक कोडवर्ड है। यह कोड आया है डंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके के तौर पर भी जाना जाता है।
क्योंकि भारत लहजे में डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी फ्लाइट्स के मुद्दे को उभारती नजर आएगी। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैरकानूनी तरीका है। वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वे दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। और फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि शाहरुख खान अवैध तरीके से दूसरी कंट्रीज में चले जाए, और शायद इसीलिए शाहरुख ने कहा है कि उन लोगों की कहानी है जो फोन आने पर घर वापस आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या होती है वो तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। डंकी फिल्म के एक और धमाकेदार शेड्यूल की शूटिंग कम्प्लीट। शाहरुख खान की ये फिल्म बनाएंगी इतिहास। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का कब्जा रहने वाला है। शाहरुख खान जिस तरीके से आने वाले दिनों में फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि साल 2023 के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान का ही जलवा रहने वाला है। बता दें कि शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में लेकर आएंगे, जिनमें 2 फिल्मों को लेकर ऑडियंस में काफी बज देखने को मिल रहा है, जिनमें पहली है पठान और दूसरी है जवान। डंकी को लेकर इतने चर्चे नहीं हो रहे, लेकिन बता दें कि ये दोनों फिल्मों से आगे जाएगी डंकी। डंकी एक सरप्राइजिंग फिल्म है जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी दे रहे हैं। ये फिल्म आपको सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि फिल्म की अलग स्टोरी और अलग कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ाने वाले हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पठान और जवान ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी और बहुत बड़ी हिट भी साबित होगी, लेकिन डंकी फिल्म हम सबको बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा सरप्राइज करने वाली है। और वैसे भी जब जब राजकुमार हिरानी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है, छा जाती है। हालांकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों के रिलीज से पहले चर्चे नहीं होते, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तब दुनिया भर में उनकी फिल्में छा जाती है। राजकुमार हिरानी अभी तक पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS जैसी न जाने कितनी सारे आइकॉनिक फिल्में बना चुके हैं, और वही डायरेक्टर बॉलीवुड के किंग खान के साथ फिल्मों को लेकर आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करेगी। हालांकि ये तो बात थी डंकी की, लेकिन बात करें हम डंकी फिल्म की शूटिंग की, तो डंकी फिल्म का 40% शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसको शाहरुख खान ने अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने डंकी को सऊदी अरबिया में शूट किया था और वो शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि शूटिंग के साथ साथ डायरेक्टर और मेकर से फिल्म की कटिंग और एडिटिंग भी करते जा रहे है, ताकि ये फिल्म को टाइम से रिलीज कर पाए। वैसे बता दें कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वहां पर एक और भी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होगी, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का जादू चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्में आगे जाएगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिल्म डंकी से सामने आई 5 बड़ी अपडेट। जाने कब इंडिया लौटेंगे शाहरुख खान डंकी का शूट करके। वैसे तो अगले साल शाहरुख खान अपनी 3 फिल्में लेकर आने वाले हैं। फिलहाल हम आपके लिए शाहरुख खान की फिल्म डंकी से 5 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। नंबर 1, जिद्दा में हो रही है डंकी की शूटिंग। जैसे कि दोस्तों, बीते दिनों ही शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यह तस्वीर शूटिंग सेट की थी, जहां शाहरुख खान जिद्दा में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल शाहरुख खान जिद्दा में ही अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म के दूसरी अपडेट को लेकर। नंबर 2, जिद्दा में क्या शूट कर रहे हैं शाहरुख खान। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जिद्दा में वाटर सिक्वेंस को शूट कर रहे हैं, यानी कि अंडर द वाटर इस फिल्म में एक्शन या तो कुछ भी नजर आ सकता है। हालांकि अब तक इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंडर वाटर शाहरुख खान एक्शन करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इमिग्रेशन ड्रामा फिल्म है, तो इसमें शाहरुख का एक्शन उनकी फिल्म जवान और पठान से काफी कम ही देखने को मिलेगा, या कहे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिद्दा में फिलहाल शाहरुख खान अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हैं। नंबर 3, जिद्दा से अगले हफ्ते पहुंचे के तब्बूक। इस हफ्ते जिद्दा में वाटर सिक्वेंस की शूटिंग पूरी करके अगले हफ्ते शाहरुख खान तब्बूक में जाने वाले हैं। यहाँ शाहरुख खान डेजर्ट में शूटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ शाहरुख खान तब्बूक में डेजर्ट सिक्वेंस की शूटिंग करेंगे, और अगले हफ्ते शाहरुख खान जिद्दा से तब्बूक के लिए रवाना भी होंगे। नंबर 4, फिल्म में है मुसाफिर हूँ मैं यारो सॉन्ग। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म में एक सॉन्ग रहने वाला है जिसमें शाहरुख खान एज अ मुसाफिर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यह फिल्म ड्रामा इमिग्रेशन फिल्म है, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर एक सॉन्ग भी बनाया गया है।
जिसका टाइटल है मुसाफिर हूँ मैं यारो। बताया जा रहा है कि सॉन्ग की शूटिंग अलग अलग जगहों पे की गई है और इस सॉन्ग में आवाज सोनू निगम ने दी है। नंबर 5, कब लौट रहे हैं इंडिया शाहरुख खान। दोस्तों, जैसा कि डंकी की शूटिंग करने के बाद शाहरुख खान को इंडिया भी जल्द आना जरूरी है, क्योंकि उनका जवान का शेड्यूल भी दिसंबर के एंड तक पूरा करना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में फिल्म पठान से ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। तो अब खबर है कि शाहरुख खान 5 दिसंबर को इंडिया लौट आएंगे और फिर वह अपनी जवान फिल्म की शूटिंग करेंगे, ताकि वह जल्द से जल्द पठान के लिए अपना वक्त निकाल पाए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म डंकी को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।